Assalamualaikum, sports psychologists in the making. Hopefully, you have gained considerable knowledge of sports psychology, and by the time you graduate, you will be able to go and achieve higher positions in the area, which is fast developing and becoming a very lucrative. करियर फॉर साइकोलॉजिस्ट दैट इज स्पोर्ट साइकोलॉजी अभी तक हम इसके चालीस लेक्चर आप तक पहुंचा चुके हैं जिसमें हमने आपको नई नई बातों से रूहनास कराया है आज हम एक और नई बात आप तक पहुंचाएंगे और उसका ताल्लुक है कि वर्जिश करने की नफसियात क्या है एक्सरसाइज साइकॉलॉजी दैट वॉट वी आर गोइन टू टॉक अबाउट टूडे बट बिफोर वी कंटिन्यू विद साइकाली ऑफ एक्सरसाइज और एक्सरसाइज साइकॉलॉजी वर्जिश की नफ्सियात या वर्जिश से मुतक जो नफ्सियात है उसका मुतला करें देखते हैं कि पिछले बार पिछले लेक्चर में हमने क्या चीजें पढ़ी थी क्या चीजें जानी थी ताकि आपका मवाद का अदा हो सके लेटेस्ट ए के लुक एट क्विक रिव्यू ऑफ लेक्चर नंबर फोर्टी रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स हमने पिछली दफे ये आपसे बात की थी कि कैसे वर्जिश की वजह से इंसान की जिसमानी और जहनी सेहत जो है वो बेहतर होती है और क्योंकि वर्जिश का ताल्लुक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से है इसीलिए इसी रेफरेंस में हमने आपसे जिक्र किया था इस रेफरेंस में हमने आपसे शुरू में छः बातें आपको बताई थी कि देर आर सिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथिस वाई टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स और एक्सरसाइजिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस इंप्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ याद है वो कौन कौन सी छह चीजें हमने आपसे गुजारिश की थी वी टॉक्ड अबाउट थ्री साइकोलॉजिकल हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस रिलेटेड टू व्हाई ए पर्सन फील्स साइकोलॉजिकली बेटर एज ए फंक्शन ऑफ टेकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी तीन बातें कौन कौन सी बताई थी कॉगनेटिव बिहेवियल हाइपाथिस दूसरा हमने क्या बताया था इस रेफरेंस में सोशल इंटरेक्शन हाइपोथेसिस याद है आपको और तीसरा हमने बताया था डिस्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस ये तीन चीजें बताई थीं जिनका ताल्लुक है कि एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स में जो हिस्सा लेना है वो इंसान को इस वजह से बेहतर महसूस करने में मुआवन होता है क्योंकि उसकी सोच में उसके माशरती ताल्लुकात में और उसकी डिस्ट्रेक्शन में फर्क पड़ता है बेहतर हो जाती है उसकी वो उन चीजों पे जो नेगेटिव चीजें हैं उनपे कंसंट्रेट नहीं करता बल्कि उनसे डिस्ट्रैक्ट के पॉजिटिव चीजों पे कंसंट्रेट करने लगता है इसलिए हमने आपको बताया था कि माहरीन नफसियात ये तीन साइकोलॉजिकल रीजंस देते हैं वाई ए पर्सन इज टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इंप्रूव इज साइकोलॉजिकल हेल्थ हमने तीन और आपको हाइपाथिस मफरूजे बताए थे कि वो फिजोलॉजिकल बेसिस कौन से हैं जिनकी बेसिस पे इंसान स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने पर बेहतर महसूस करता है और इससे इसके रेफरेंस में हमने आपको तीन जो बातें बताई थी वो क्या थी दार्डियो वेस्कुलर फिटनेस हाइपोथिस दाइन हाइपोथिस एंड द एंड हाइपोथिस हमने बताया था कि खेलों में हिस्सा लेने की मुनासबत से एक शख्स जो है उसकी कार्डियोवेस्कुलर उसकी दिल की और निज़ाम तनफस की जो हालत है वह बेहतर हो जाती है और उस वजह से वह जहनी और जिसमानी तौर पर बेहतर महसूस करता है इसके अलावा हमने बताया था कि कुछ कैमिकल्स ऐसी हैं जिन जो एक्सरसाइज करने की वजह से वर्जिश करने की वजह से अल्लाह ताला ने कुदरत ने फितरत ने इंसान के जिस्म में बना रखी है कैपेसिटी कि वो केमिकल्स जो हैं, वो जिस्म में रिलीज होती हैं और उन केमिकल्स की रिलीज की वजह से इंसान बेहतर महसूस करता है और वो हमने आपको बताया था एंडोरफिन डॉल्फिन और ए माइन तो ये तीन फिजोलॉजिकल और तीन साइकोलॉजिकल रीजन हमने आपको दिए थे एज टू वाई यो आर टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट और योर बींग एक्टिव इन एक्सरसाइज इम्प्रूव योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ फिर हमने आपको बताया था कि वो कौन कौन से लोग हैं वो कौन कौन से तरीक़े हाय कार हैं जो हमें एक्सरसाइज या वर्जिश की तरफ ले जाते हैं माइल करते हैं और वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं अवामिल हैं अनासर हैं जो एक शख्स को वर्जिश से हटने पर मजबूर करते हैं उसको सीडेंटरी और सुस्ती वाली हालत में वापस लेके जाते हैं हमने इसके बारे में भी बात आपसे की थी और इस रेफरेंस में हमने आपको तीन बातें बताई थी दी ट्रांसिशन फ्रॉम सीडेंट्री स्टेट टू एक्सरसाइज अडॉप्शन वी टॉक्ट अबाउट हाउ पीपल लीव दे सीडेंट्री स्टेट सुस्ती या काम ना करने की या वर्जिश या न करने की या स्पोर्ट्स में हिस्सा न लेने की जो एक स्टेट ऑफ अफेयर है हाउ दे लीव दैट बिहाइंड एंड गो एंड एक्सरसाइज एक हमने इसके बारे में जिक्र किया था दूसरी चीज हमने जिक्र किया था कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से एक शख्स जो है वो अपनी वर्जिश को या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को मेनटेन नहीं कर पाता हिस्सा तो ले लेता है लेकिन कुछ अरसे बाद ड्रॉप आउट हो जाता है और तीसरी हमने ये बात बताई थी कि वो कौन कौन से अवामिल या अनासर है मुहरकत है जिनकी बिना पर जब उसने ड्रॉप आउट किया है जब वो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले रहा उसके बाद फिर वो दोबारा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की तरफ माइल हो इन फैक्टर्स का हमने जिक्र किया था और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अगर आप इन फैक्टर्स को देखें और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पे इनका इतलाक करें तो आप पहले से बहुत बेहतर बहुत महसूस करेंगे जहनी और जिसमानी तौर पर क्योंकि रिसर्च से यह बात वाज हो चुकी है कि वो लोग जो वर्जिश करते हैं एक्सरसाइज करते हैं स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं वो जहनी और जिसमानी तौर तो पर उन लोगों से बहुत बेहतर हैं बहुत बेहतर हो जाते हैं जहनी और जिसमानी तौर तो पर इसमें कोई मॉरल जजमेंट नहीं है मैं इसको ये नहीं कह रहा कि वो नेक हो जाएंगे यकीनन नेक भी हो सकते हैं लेकिन जहनी और जिसमानी तौर तो पर वो लोग जो वर्जिश में हिस्सा लेते हैं जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं वो उन लोगों से बेहतर महसूस करते हैं और बेहतर हो जाते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते या स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेते देर फॉर इट शुड बी अ बिग मोटिवेशन फॉर यू यंग मैन एंड वीमेन आउट देयर टू कंटिन्यू टू फर्स्ट टू अडॉप्ट स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी एंड देन टू कंटिन्यू टू मेंटेन इट क्योंकि जैसे मैंने गुजारिश की हमें साइंस ने और कुदरत ने इन दोनों चीजों की तरफ इशारा किया है साइंस भी हमें यही दिखाती है कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू और कुदरत ने हमारे जिस्म में ऐसे निजाम बना रखे हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं जब हम वर्जिश करते हैं स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं तो फिर वो निजाम जो है वो पॉजिटिव एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं हमारे जिसम और हमारे जहन में तो जरूर कीजिएगा वर्जिश इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे आज और एक नया टॉपिक जो है उस इस नए टॉपिक को एक नए अंदाज से देखेंगे एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज साइकोलॉजी पहले तो इस जमीन में دیکھتے देखते हैं कि एक्सरसाइज साइकोलॉजी है क्या चीज एक्सरसाइज साइकोलॉजी اٹ سیلف ایٹ لیسٹ विथ فور تھنگز वाई डोंट पीपल एक्सरसाइज क्या ख्याल है लोग ورزش کیوں نہیں کرتے क्योंकि उनके जहन में यह ख्याल है कि आराम से रहना सीडेंट्री हैबिट्स एडॉप्ट करना अच्छा है ये बिल्कुल गलत मफरूजा है कि सीडेंट्री हैबिट्स एडोप्ट करना एक्सरसाइज ना करना बेहतर महसूस करने के मुतरिफ है बिल्कुल गलत बात है बिल्कुल गलत बात है तो इफ यू आर ए विक्टिम ऑफ This irrational thought that not working, not exercising, not taking part in sports is a good idea, you are totally wrong. So, why don't people exercise? That is one reason, that is one element upon which psychologists related to exercise psychology concentrate upon. They want to discover reasons. Then they see in this area, और एक्सरसाइज साइकोलॉजी ऑल्सो रिलेट्स टू व्हाई डू दे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग लोग वर्जिश शुरू क्यों कर देते हैं आप बताइए क्यों शुरू करते हैं वर्जिश क्योंकि उनको पता चल जाता है अकल से समझ से तजर्बे से मुशाहदे से पढ़ने लिखने से बातचीत करने से लोगों से एक्सचेंज ऑफ आइडिया से दैट एक्सरसाइज और टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इज ए गुड आइडिया फॉर देम तीसरी चीज जो इसमें माहरीन नफसियात देख रहे हैं वो देख रहे हैं वाई डू दे और दे डू नॉट कंटिन्यू एक्सरसाइजिंग और स्पोर्ट्स क्या वो वजूहत हैं जिनकी बिना पर कुछ लोग तो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स और कुछ लोग एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स को कंटिन्यू नहीं करते हमने आपको बताई थी इनकी वजूहत पहले भी कंटिन्यू करने की वजह यह है लोग इसको फन समझते हैं इट्स फन थिंग टू डू दे एंजॉय और डिसकंटिन्यू करने की वजह भी यही है दैट पीपल डू नॉट डिराइव फन आउट ऑफ एक्सरसाइज इसलिए लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं और भी रीजन है और चौथी चीज जो इस रेफरेंस में माहरीन नफ्सियात देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं इन दी वे ऑफ एक्सरसाइज साइकोलॉजी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स वाई डू पीपल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग अगेन वाई डू पीपल स्टार्ट स्पोर्ट्स अगेन ये भी देखना चाहते हैं ये चार चीजें जो हैं ये माहरीन नफ्सियात को इस वक्त मौजूदा उसकी नशो नुमा की जो स्टेज है उस पर माहरीन नफसियात अपनी तवज्जो इन चार चीजों पर मरकूज किए हुए हैं और इन्ही से मुतलिक उन्होंने अपने व्यू पॉइंट भी बना लिए हैं वाई डोंट पीपल एक्सरसाइज वाई डू दसाइजिंग वाई डू द कॉन्टिन्यू और नॉट कॉन्टिन्यू एंड वाई डू द स्टार्ट एक्सरसाइजिंग अगेन ये चार चीजें देखना चाह रहे हैं माहरीन नफ्सियात और इन्हीं चारों चीजों से मुतलिक उन्होंने मुशाहिदात और मेटा अनाल के बेसिस पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपने जहन में लाइए ये मेटा एनालिसिस क्या चीज है हमने आपको दो मरतबे इसी कोर्स के दौरान बताया है उससे पहले भी मैंने आपसे गुजारिश की है मेटा एनालिसिस के बारे में क्योंकि ये एक तरीका है जिसके जरिए माहरीन नफसियात नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं तो बताइए मेटा एनालिसिस क्या है याद आ गया आपको एक्सलेंट आइडिया यस

क्या क्या चीजें हैं जिनकी बिना पर लोग वर्दिश नहीं करते या करते हैं या मेंटेन करते हैं या नहीं करते इस रेफरेंस में उन्होंने कुछ थियोरीज फॉर्मुलेट की हैं बेस्ड अपॉन देयर ऑब्जर्वेशन एंड मेटा एनालिसिस लेट्स टेक ए लुक एट दो थियोरीज नाउ द फर्स्ट थियरी एज यू कैन सी ऑन योर टीवी स्क्रीन ऑल्सो इज द थियोरी ऑफ रीजेंड एक्शन क्या ख्याल है इंसान माकूल रवैया अपनाता है क्या वो रीजनड एनिमल है या वो गैर माकूल रवैये पर इंसार करता है और वो अनरी है द एडेरेंट्स टू दिस थियरी पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट मैन बेसिकली इज ए रैशनल एनिमल दैट इज नॉट टू से दैट ही इज नॉट इेशनल Sometimes, yes, that is true, but he is rational most of the time. Most of the people are rational most of the time. You may disagree with their rationality, their rationality may clash with other rationalities, such as social rationality, environmental rationality, or rationality in the eyes of other people, but so far as they are concerned, they adopt rational behavior. What is rationality to them? और यही माहरीन नफसियात एक्सरसाइज साइकोलॉजी पे इसी थियोरी का इसी व्यू का इतलाक करते हैं एंड दे से दैट पीपल अडॉप्ट और लर्न स्पोर्ट्स एंड अडॉप्ट स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ सोशल नॉर्म्स और सोशल प्रेशर अगर उनके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो खुद एक्सरसाइज करते हों अगर उनके इर्द गिर्द के लोग अगर उनके इर्गर्द का माहौल इस बात का अलमबरदार हो कि वर्जिश करनी चाहिए और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए तो फिर एक शख्स वर्जिश करने की तरफ माइल होगा वो वर्जिश करेगा वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेगा माहरीनसियात ने देखा है मैंने आपको पहली भी गुजारिश की थी कि वो बच्चे जिनके वाले खुद स्पोर्ट्स पर्सन हों या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हो या स्पोर्ट्स को एडॉप्ट किए हुए हों एज फन वो बच्चे ज्यादा माइल होते हैं स्पोर्ट्स की तरफ उनमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की बनिस्बत उन बच्चों के जिनके वालदेन स्पोर्ट्स में खुद हिस्सा नहीं लेते हेयर इज एन एक्सप्लेनेशन of how social pressure or social norms may make a person adopt sports or sports behavior or exercise behavior because he sees or she sees around him people taking part in sports the elders देखिए एक और बात भी इस दिन में गुजारिश करना चाहूंगा मैं आपसे सिर्फ कहने से बच्चे बात नहीं सुनते अगर कहने और करने में फर्क हो तो बच्चे बात बिल्कुल ही नहीं सुनते अगर वो देखें कि उनके वालदेन कुछ कर रहे हैं तो वो करने की तरह खुद भी मायल होते हैं इस बात से कता नजर के उनको कहा जाए कि तुम ऐसा करो मिसाल के तौर पर यह एक मिसाल लीजिए बिल्कुल फर्जी सी मिसाल है एक वाले अपने बच्चे से कहता है तुम्हें ईमानदारी अडॉप्ट करनी चाहिए तुम्हें ईमानदार होना चाहिए जब वो ये बात कह रहा है इतनी देर में फर्जी मिसाल है टेलीफोन बजा बच्चे ने टेलीफोन उठाया और उसने कहा अबू आपके दोस्त अलिफ बे जीम हैं। अबू ने कहा बेटा उनसे कह दो मैं घर में नहीं हूं वट आज दिस शो दिस शो दैट द मैन दट द फादर इज सेंगट यू शुड बी ऑनेस्ट बट ही हिमसेल्फ इज बिंग डिसऑनेस्ट Because he is telling his child to tell the person on the phone that he is not available at home, which is not true. Now he is teaching his child to be dishonest by adopting dishonest behavior, and this is exactly what is true in sports psychology. Children whose parents involve themselves in sports and exercise. Are more prone to taking up sports and exercise, and that is one reason, one theory as to why people start exercising. Dusri theory Josimutalika, that is called the theory of planned behavior. The theory of planned behavior is actually an extension of the earlier one. It assumes that a person is a rational animal, which he is.

आप जानते हैं वो बैंड सब्सटेंसेस लेने की वजह से बैंड ममनूशुदा अद्वियात लेने की वजह से इंटरनेशनल एरिना से बैन किए जा रहे हैं नॉ व्हाट वुड यू थिंक इज दैट बिहेवियर इज दैट रैशनल और इन रैशनल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसीज दैट इज एन irrational behavior but from the point of view of the athlete that is irrational behavior because his rationality is very limited twisted full of error but irrationality because he or she thinks that by taking banned substances he would be able or she would be able to develop her body and her muscles and thereby perform better. That is personal rationality. So, even when he is adopting an illegal behavior, that for him the illegality or the illegal behavior is for him rational from his limited personal point of view. Although, from the social, from the जनरल स्पोर्ट्स एरिना पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज टोटली रैशनल इसलिए रैशनैलिटी जो है वो इंडिविजुअल या सोशल हो सकती है और इसमें क्लैश भी हो सकता है लेकिन इंसान अपने तईन रैशनल ही माकूल ही रवैया अपनाता है इसी रवैये रैशनैलिटी के तहत जो थियरी है दूसरी द थियोरी ऑफ प्लान बिहेवियर उसका भी जिक्र करते हैं a person adopts exercise continue to exercise because he feels or she feels that exercise indulging in exercise gives him control over his life makes him feel better and makes him more in control of his life and that is why he exercises he has planned to take over his life वो मुकम्मल काबू कंट्रोल करना चाहता है इसीलिए वो एक्सरसाइज को अडॉप्ट करता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द थियोरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर दैट इज द सेकंड थियोरी दैट एक्सप्लेन वाई सम पीपल मे बिगिन टू टेक अप एक्सरसाइज लेटेस्ट कैट नेक्स्ट थियरी वे इट इज नॉट रियली अ थियोरी बट ए मॉडल ए ट्रांस theoretical model a combination of many steps explained in more than one theories and that is why we call it a trans theoretical model rather than a theory all right what is this trans theoretical model and what does it say about explanation of the why of sports or exercise behavior the why or the why of the sports or exercise behavior in the trans theoretical model is explained in five steps. Five steps. And what are those five steps? The model explains that people go through five different stages before they adopt and maintain exercise. Or um, adopt sports and maintain taking part in sports. What are those five stages? नंबर वन द प्री कंटेपलेशन स्टेज प्री कंटेपलेशन स्टेज क्या है कि वो अभी उसने सोचना नहीं शुरू किया कि उसको वर्जिश करनी चाहिए स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए वो इस बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन कर रहा है कर रही है वो लोगों से पूछ रहा है भाई आप बताइए आप वर्जिश करते हैं आपको क्या होता है बेहतर महसूस थक जाते होंगे आप आपको नींद आपकी उड़ जाती होगी आपको भूख सदा लगती होगी आप भूख लगने की वजह से वेट गेन करते होंगे भाई आपको वक्त निकालना पड़ता होगा भाई उस वक्त को निकालने के लिए आपको अपनी दूसरी एक्टिविटीज कर्टेल करनी होती होगी ये तमाम चीजें वो प्री कंटेम्पलेशन पीरियड पे स्टेज पे कंसिडर कर रहा है दूसरी स्टेज जो है इस मॉडल में वो है कंटेपलेशन जब वो महसूस करता है जब उसने ये देख लिया कि हाँ इसके कुछ फवायद हैं और इसके कुछ सेक्रीफाइसेस हैं फवायद क्या हैं एक्सरसाइज करने की वजह से जहनी और जिसमानी तौर पर बेहतर महसूस होगा बीमारी नजदीक नहीं आएगी डिप्रेशन एंग्जाइटी से बचत रहेगी फ्रस्ट्रेशन मायूसी जो है वो इतनी शिद्दत से आपको नहीं पकड़ेगी ये सब चीजें वो देख रहा है दूसरी तरफ वो देख रहा है कंटेम्पलेशन स्टेज में के वक्त देना होगा उसमें एफर्ट इन्वॉल्व है सुबह का उठना इन्वॉल्व है मनी इज इन्वॉल्व इफ यू हैव टू बाय सर्टेन पैराफर्नेलिया फॉर इट सच एज द ट्रैक सूट सच एज योर जॉगर सच एज योर सॉक्स

मॉडल हमें बताता है कि इंसान इन चीजों को देखता है और इसके प्रोज एंड कॉन्स इसके फवायद और इसके नुकसान को वे करता है दैट इज द सेकंड स्टेज द कंटेम्पलेशन स्टेज द थर्ड स्टेज इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रेपरेशन स्टेज अब उसने तय कर लिया कंटेपलेट करने के बाद सोच विचार करने के बाद कि नहीं मैंने वर्जिश करनी है अब उसके लिए उसको प्रेपरेशन करनी है ट्रैक सूट बाजार से खरीदना है इक्विपमेंट बाजार से खरीदनी है मेंबरशिप क्लब की जाके लेनी है उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं ट्रांसपोर्टेशन टू द प्लेस एंड बैक फ्रॉम द प्लेस करनी है गेटिंग द इक्विपमेंट इन इट्स फर्स्ट गियर इन इट टॉप गियर हैविंग योर हैविंग पुटिंग इन टू लूप द पीपल एंड एक्टिविटीज दैट विल हेल्प टू मेंटेन योर इक्विपमेंट वॉशिंग इट क्लीनिंग इट ंग इट रिपेयरिंग इट ऑल ऑफ दैट कम्स इन टू वट इज कॉल्ड द प्रेपरेशन स्टेज द फोर्थ स्टेज इज वट इज कॉल्ड द एक्शन स्टेज नाउ ही इज प्रिपेड और इसके बाद वो ट्रैक सूट पहन के या इक्विपमेंट अपनी लेके ग्राउंड में पहुंच गए और उन्होंने खेलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया पोल वॉल्टिंग शुरू कर दी कोच हायर किया इंस्ट्रक्शन ली किताबें पढ़ी लोगों की बनी हुई फिल्में देखी इंटरनेट पे जाके देखा कि पोल वॉल्टिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं स्विमिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं साइकिलिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं ऑल ऑफ दीज आर एक्शन दैट ही हैज़ टू टेक टू पुट हिज प्लान इन टू इट्स एक्शन ऑफ एक्सरसाइजिंग और टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स और ये चौथी स्टेज है और पांचवी स्टेज है अकॉर्डिंग टू द ट्रांस थेरेटिकल मॉडल वॉट इज कॉल्ड मेंटेनेंस अब उस शख्स ने एक्सरसाइज को मेनटेन करना है हाउ मेनी टाइम्स इन ए वीक इज ई गोइंग टू प्ले और डू एक्सरसाइज ट्वाइस ए वीक फोर टाइम्स डेज ए वीक हाउ लॉन्ग ये तमाम चीजें जो है ये मेंटेनेंस का हिस्सा है छुट्टी उसको कितने दिन करनी है कितने दफे एक्सरसाइज करनी है कितना घंटे कितने मिनट एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज का रिगर क्या होगा क्या बहुत तेजी से भागना है या बिल्कुल जॉग करना है या जॉग और तेजी के दरमियान स्प्रिंटिंग एंड वॉकिंग एंड स्प्रिंटिंग एंड वॉकिंग ऐसा करना है ये तमाम चीजें जो हैं ये मेंटेनेंस का हिस्सा हैं तो वाई पीपल और हाउ पीपल एक्सरसाइज दैट इज दर्ड मॉडल दर्ड इज द्रांस थेरेटिकल मॉडल Which shows us that there are five steps involved in these, and the five steps involved in these have their own various pros and cons attached to them, negative and positive elements attached to them. So, the trans theoretical model says that that is how we need to look at why people exercise, why don't they exercise, why do they maintain, why can't they maintain. All of these questions can be answered in view of this trans theoretical model. Trans theoretical model mein ek do dekhne wali which are called the moderating variables. The level of self efficacy is an important determinant whether a person is going to take up sports, to maintain sports, or is he or she Going to take up sports and then opt out of it. Those people who are high on self efficacy, and you know what is self efficacy? Yes, self efficacy is your confidence, a person's confidence, that he can overcome crisis, that he can meet challenges, that he can come out and combat with life situations. That is self efficacy. If a person is high on self efficacy, there is a probability that he will continue, that he will start, continue, and maintain exercise. Trans model the losses and gains that a person considers, the perception of those losses, and the perception of those gains determine whether a person is going to continue, start, continue, or abandon. अगर वो समझता है कि उसके गेंस ज्यादा हैं और लॉसेस कम हैं गेन क्या है हेल्थ मेंटल हेल्थ लॉस क्या है टाइम वही टाइम जो आया है वो आप कमरे में बैठ के टीवी का प्रोग्राम देख सकते हैं अपने चाहने वालों से मिल सकते हैं टेलीफोन पे बात कर सकते हैं अच्छी किताब पढ़ सकते हैं दैट इज दी लॉस आप उन तमाम चीजों को छोड़कर वर्जिश करने के लिए अकेले क्लब में गए हैं या जिम में गए हैं या स्विमिंग पूल पे गए हैं या किसी स्पोर्ट्स एरिया में गए हैं या किसी पार्क में गए हैं तो ये लॉस है और ये गेंस हैं लॉसेस क्या है ऑल द सोशल कॉन्टेक्ट एंटरटेनमेंट और टीवी और और अदर थिंग्स दैट यू वांट टू डू स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड एंड डियर एंड लव्ड वंस और इसका गेन क्या है मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ ये एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वेदर पीपल विल इन डल्ज इन एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स और नॉट इफ दे फील दैट द गेंस आर मोर देन द लॉसिजन दे कॉन्टिन्यू दे स्टार्ट एंड कॉन्टिन्यू इफ दे फील दैट द गेंस आर लेस एंड लॉसेज आर मोर देन दे अबेंडन देन दे विल टर्मिनेट एक और मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है वह है साइकोलॉजिकल ऑप्स्टिकल्स का साइकोलॉजिकल ऑप्स्टिकल्स क्या है योर और माई पर्सनलिटी टाइप फैमिली सिचुएशन खुदा न खास्ता एक शख्स के घर में एक बीमार है जो हर वक्त तोज्जो तलब मरहला है मसला है उनके घर में खुदा न खास्ता उनको फाइनेंशियल क्राइसिस है खुदा न खास्ता उनके घर में लोग ओवर क्राउडिंग का शिकार हैं बच्चे बहुत ज्यादा हैं जरूरत से ज्यादा हैं एक घर में ये तमाम बातें जो है अगर आपस की कोई चपकलश है मियां बीवी की बड़े भाई की छोटे भाई की बहू रानियों की आपस में ये चपकलश जो है ये भी एक साइकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल है तो ऐसी सूरत में लोग जो है वो वर्जिश की तरफ माइल कम होंगे या नहीं होंगे सो दीज आर दी मॉडरेटिंग वेरिएबल्स इन दी ट्रांस थेरेटिकल मॉडल वी हैव टॉक्ट अबाउट फाइव स्टेजेस एंड थ्री मॉडरेटिंग वेरिएबल्स लेट्स टेक लुक एट अनदर थियरी Which explains sports behavior, and that is the social cognitive theory. Social cognitive theory puts forward the view that people who start exercise and who maintain exercise are the people who believe in themselves, they have a high regard for themselves. Their level of self efficacy is high, and because of their belief that they can improve their life situations even further, they start and maintain exercise. Their thinking that they learn from their social environment is the main force that helps them to first take up exercise. And then maintain exercise. Social cognitive theory relates to a person's positive opinion about himself, his belief that he can be successful in starting, continuing, and then maintaining the regimens of exercise and sports, and that is why.

और जो लोग इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा मुस्तकिल तौर पर बना लेते हैं वो वो लोग हैं जो एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स से जो फवाद हासिल हैं वो फवाद बहुत ज़्यादा हद तक हासिल कर सकते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज वर्जिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते या अगर बनाते हैं तो बहुत कम अरसे के लिए उम्मीद है हाँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तीन चीजें मैंने गुजारिश की हैं स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज शुड बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ फॉर ऑल टाइम्स टू कम फॉर एज लॉन्ग एज योर लाइफ मे यू लिव फॉर अंड्रेड ईयर्स those people who adopt these regimens on an ongoing basis gain more as compared to those people who either don't adopt exercise or sports or exercise adopt exercise or sports for a relatively shorter time period ये बात जो है यह खास तौर पर देखने वाली है जैसे इबादत करना अल्लाह तला को याद करना खाना खाना लोगों से रफाई कामों में हिस्सा लेना आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए इसी तरह माहरीन नफ्सियात समझते हैं कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना वर्जिश जो है वह आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए उस सूरत में इसके फवाद ज्यादा हैं और उस सूरत में इसके फवाद इतने हैं कि आप जहनी और जिसमानी तौर पर और जनरली ज्यादा सेहतमंद महसूस करेंगे आखिरी बात जो इससे मुतल बताने वाली रह गई है वो ये है कि कोई भी एक थियोरी जो है वो Bazaat e khud individually stand alone is not a complete and total explanation. A total explanation of why people exercise, why people take part in sports, why people do not take part in sports, why people terminate taking part in sports, why do people maintain sports, why do people terminate and then come back again to answer all of these questions we cannot invoke just one theory we cannot say that one theory gives a complete explanation of all these questions therefore the theories that we talked about the all four theories should be considered as answers to all of these questions in combination with each other, so components of several theories, all the four theories that we have explained to you, a combination of all these four theories explains the sports behavior and provides answers to the questions that sports psychologists have raised. sports <laughs> behavior. मुकम्मल जवाब मौजूद नहीं है चलिए इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की वजह से या एक्सरसाइज की वजह से हमें क्या क्या फवायद या नुकसान हो सकते हैं फिटनेस एज ए मॉडरेटर ऑफ लाइफ स्ट्रेस देखिए जिंदगी जब तक है उसमें स्ट्रेसेस आते रहेंगे जिंदगी जब तक है उसमें बीमारियां मौजूद रहेंगी जिंदगी जब तक है उसमें कुछ ना कुछ मसले मसाइल रहेंगे सो लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस इलनेस एंड जनरल हैसल्स ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है या एक ग्रोह जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इलनेस से निजात पा ले ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है या एक ग्रोह जो है वो हमेशा हमेशा के लिए स्ट्रेस से निजात पा ले ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंडिविजुअल या ग्रोह जो है वो जनरल हैसल रोजमर्रा के जो मसले मसाइल हैं ट्रैफिक है पोल्यूशन है महंगाई है घरेलू मसायल हैं बच्चों की बीमारी है पढ़ाई का मसला है एक पेपर में नंबर कम आ गए हैं एटसेट्रा ऑल ऑफ दीज आ प्रॉब्लम दैट आर जनरल डेली लाइफ एसिल्स ये हमारी जिंदगी का उस वक्त तक हिस्सा रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं और इनसे बचने का इनके मुजर असरात को कम करने का इनसे असर कम कबूल करने का इनके बोझ तले ना आने का एक जरिया है रेगुलर एक्सरसाइज एंड रेगुलर एक्टिविटी इन स्पोर्ट्स अगर आप स्पोर्ट्स में बाकायदगी से हिस्सा लेते हैं अगर आप बाकायदगी से एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं मैंने आपको बताया था एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में तो फिर माहरीन नफसियात ने अपने मुशाहदात के जरिए और बेतहाशा तजुर्बात के जरिए मेटा अनालस के जरिए से ये देख लिया है कि फिर आपको बीमारी कम होगी फिर आप पे स्ट्रेस का असर कम होगा आप स्ट्रेस लेस महसूस होंगे करेंगे स्ट्रेस कम असर करेगा आप पर और आपके जो जनरल हैसल्स ऑफ लाइफ है उनका भी आप पे मनफी असर बहुत हद तक जायल हो जाएगा तो एक्सरसाइज करने में सबसे बड़ा एडवांटेज जो है माहरीन नफसियात ने देखा दैट इज व्हाट दे कॉल द इक्यूलेशन इफेक्ट इनाक्यूलेशन इफेक्ट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि हम आज से बीस बाईस पच्चीस चालीस बरस पहले एवरी पाकिस्तानी वॉज एक्सपेक्टेड टू तो बी इनोक्युलेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स अगेंस्ट कॉलरा अगेंस्ट मलेरिया अगेंस्ट टाइफाइड ये तमाम बीमारियां ऐसी थीं जो बहुत से पाकिस्तानियों को और बहुत से दूसरे लोगों को खत्म कर दिया करती थी तो उससे बचने के लिए फिजिशंस ने इनाक्यूलेशन के तरीके अख्तियार किए टीका लगा दिया और उस टीका लगाने की वजह से इंसान के अंदर कुत मदाफियत पैदा हो गई जिसकी वजह से वो बीमार होना बंद हो गया अब उसको चेचक नहीं होती उसको हैजा नहीं होता उसको टाइफाइड नहीं होता इफ ए पर्सन इज इनोक्यूलेटेड द सेम इज ट्रू ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स एडॉप्टिंग एक्सरसाइज इज इन इनोक्यूलेट अगेंस्ट स्ट्रेस अगेंस्ट इलनेस एंड अगेंस्ट जनरल हैसल्स इन लाइफ यूं समझ लीजिए कि जैसे आप एक शख्स को टीका लगा दें चेचक की मदाफियत के खिलाफ और उसको उस टीके की बिना पे इंजेक्शन की बिना पे इन्वैक्यूलेट हो जाएगा और उसको चेचक या स्मॉल पॉक्स नहीं होगा इसी तरह से अगर आप एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स एडॉप्ट कर लें तो फिर आप में ज्यादा मुदाफियत आ जाएगी इलनेस के खिलाफ स्ट्रेस के खिलाफ और जनरल हैसल्स ऑफ लाइफ के खिलाफ माहरीन नफसियात ने यह देखा है कि वो लोग जो वर्जिश बाकायदगी से करते हैं वो लोग जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं वो लोग उन लोगों की नस्बत कम स्ट्रेस का शिकार हैं कम जिस्मानी बीमारी का शिकार हैं और कम मसाइल का शिकार हैं उन लोगों की बनस्बत जो एक्सरसाइज वर्जिश नहीं करते या स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेते ये है दी रिलेशनशिप ऑफ फिटनेस विद लाइफ स्ट्रेस इफ यू आर फिजिकली फिट देन यू आर नॉट ओनली फिजिकली फिट यू आर ऑल्सो मेंटली फिट and you are also inoculated against stress against frustrations against depression against anxiety all of these everyday problems that face an individual they are controlled they can be inoculated against आपकी मुदाफियत इन मसाइल के खिलाफ बढ़ जाएगी ये भी देखा गया है कि वो लोग जो वर्जिश नहीं करते वो लोग जो वर्जिश करके छोड़ देते हैं वो स्ट्रेस का ज्यादा शिकार होते हैं बनस्बत उन लोगों के जो वर्जिश कंटिन्यू करते हैं सो नॉट ओनली एक्सरसाइज And sports behavior is an advantage against illness and stress. Not indulging in exercise and not being involved with sports behavior or being a sports person predisposes a person to more stress and illness in terms of physical and mental illness. इससे आगे भी एक बात बताना चाहूंगा जो अगले लेक्चर में आपसे कहेंगे कि क्या स्पोर्ट्स एक्सरसाइज का कोई लिमिट भी है क्या अगर हम उस लिमिट के ऊपर एक्सरसाइज करें उससे बढ़कर करें उससे बढ़कर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लें तो उसके क्या असरात होंगे ये तो हमने देख लिया कि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की बिना पर और वर्जिश करने की बिना पर हम फिजिकली और मेंटली बेहतर महसूस करते हैं और ना सिर्फ यह कि फिजिकली और मेंटली बेहतर महसूस करते हैं बल्कि हम हमारे में कुवत मुदाफियत भी जो है वह बीमारियों के खिलाफ जहनी और जिसमानी बीमारियों के खिलाफ कुवत मुदाफियत जो है वह बढ़ जाती है ऐसा तो है यह तो हमने देखा लेकिन क्या ऐसा भी है कि अगर हम अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बहुत बढ़ा दें तो फिर उसका क्या असर होगा एक इंसान की जहनी जिसमानी सेहत पर और उस फिर उसका क्या असर होगा उसकी कुत मुदाफियत पर मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स आठ घंटे तक वर्जिश करे चौबीस में से बारह घंटे तक वर्जिश करे चौबीस में से तो क्या यह जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगी या इसके कोई और असरात भी हो सकते हैं वी विल टेक ए लुक एट दैट नेक्स्ट टाइम फॉर द टाइम बींग जस्ट नोट दैट दोज पीपल हु एक्सरसाइज नॉट ओनली फील फिजिकली एंड मेंटली बेटर बट दे आर ऑल्सो इनाक्यूलेटेड उनमें कुत मुदाफियत भी बढ़ जाती है बिफोर वी एंड टूडेज लेक्चर लेटस रिव्यू वॉट वी टॉक्ट अबाउट टूडे वी टॉक्ट अबाउट थियरीज ऑफ वाई पीपल बिगेन एक्सरसाइज Why some people don't exercise? What are the reasons that people abandon exercising or taking part in sports once they start exercising? What is the reason why people take part in exercise or sports, then abandon it and then restart. (U ye) अभी तक मुलाजा किया था और इससे मुतल हमने आपको चार थियोरीज बताई थी जरा जहन में लाइए वो कौन कौन सी चार थियरीज है नंबर वन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा दियोरी ऑफ रीजेंड एक्शन द थ्योरी ऑफ प्लैंड एक्शन देन वी टॉक्ड अबाउट द ट्रांस थेरेटिकल मॉडल की एक थियोरी जो है उससे हम पूरी तरह से इस्ता हासिल नहीं कर सकते एंड देन वी टॉक्ट अबाउट दोशल कॉकनेटिव थियोरी इन दैट रिगार्ड ये चार थियोरीज का हमने जिक्र किया था यह थियरीज जो है ये एक्सप्लेन करती हैं एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स बिहेवियर को हमने यह भी आपसे गुजारिश की आज के लेक्चर के दौरान कि किसी एक थियोरी में मुकम्मल एक्सप्लेनेशन स्पोर्ट्स बिहेवियर की मौजूद नहीं है एक भी जो नुकता नजर है वो मुकम्मल तौर पर तमाम स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता वाई डू पीपल एक्सरसाइज वाई डोंट दे नॉट एक्सरसाइज वाई डू दे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग दैन अबेंडन इट वाई डू दे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एंड मेंटेन इट वाई डू दे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग दैन अबेंडन इट एंड री स्टार्ट ये चारों के चारों पांचों के पांचों जो नुकता हा हैं इनको एक थियरी एक्सप्लेन नहीं करती ये हमने आपको बताया था कि इन थियोरी में मिलजुल के एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके जरिए से हमें पता चल जाता है कि स्पोर्ट्स बिहेवियर के या एक्सरसाइज साइकोलॉजी के क्या क्या कॉजेज हैं क्या क्या रीजन है ये हमने चार चीजें आज देखी थी और हमने फिर देखा कि मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कौन कौन से हैं इस रेफरेंस में हमने क्या देखा था मॉडरेटिंग वेरिएबल्स में हमने आपको बताया कि जब तक दम में दम है एक शख्स जरूर बीमारी का शिकार होगा यह कुदरत का एक असूल है जो भी इस दुनिया में आया है वो बीमार जरूर होगा कुछ लोगों को ज्यादा सख्त बीमारी है खुदा ना खास्ता अल्लाह उन पर रहमत करे और कुछ लोगों को नस्बतान कम शदीद बीमारियाँ हैं जैसा कि सर में दर्द हो गया जुकाम हो गया पेट अपसेट हो गया ये मामूली बीमारियाँ हैं हर शख्स के हिस्से में बीमारियाँ जो हैं वो मौजूद हैं हर शख्स के हिस्से में स्ट्रेस जो हैं वो मौजूद हैं फ्रस्ट्रेशन जो हैं वो मौजूद हैं डिप्रेशन जो है वह मौजूद है एंगजाइटी वरी यह तमाम चीजें मौजूद हैं जब तक जिंदगी में आप हैं ये जिंदगी में चीजें साथ रहेंगी आपके और आपके रोजमर्रा के मसाइल जो हैं गाड़ी का टायर पंचर हो गया आपके नोट्स आपने लिखे थे वो गुम हो गए आपकी कलम पेंसिल जो थी वो आपके भाई ने छोटा भाई जो था वो उठा के स्कूल ले गया और आपकी कलम तोड़ दी वगैरह 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 इस किस्म के छोटे छोटे जो जिंदगी के मसाइल हैं जनरल हैसल्स ऑफ लाइफ वो भी जिंदगी के साथ साथ चलेंगे उससे भी किसी को मफर हासिल नहीं तो हमने ये देखा कि इन तीनों चीजों से रिलेटेड इलनेस स्ट्रेस एंड जनरल हैसिल्स रेगुलर एक्सरसाइज रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नॉट ओनली मेक्स ए पर्सन हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली बट आल्सो इनाक्यूलेट हिम उसकी कुत मुदाफियत जो है वो इन चीजों से मुकाबला करने से मुतल बढ़ जाती है एंड दैट इज दी मॉडरेटिंग वेरिएबल एंड दैट इज वट वी टॉक्ड अबाउट के जब आप वर्जिश करते हैं जब आप खेलों में हिस्सा लेते हैं तो आपकी मुदाफियत जो है इलनेस के खिलाफ स्ट्रेस के खिलाफ मायूसी के खिलाफ डिप्रेशन के खिलाफ एंग्जाइटी के खिलाफ तश्वीश के खिलाफ पैने का टैक्स के खिलाफ इस किस्म की इन तमाम जो जहनी मिसाइल या बीमारियां हैं इनके खिलाफ आपकी मुदाफत बढ़ जाती है न सिर्फ ये जिसमानी तौर पर भी आपकी मुदाफत जो है वो बढ़ जाती है सो फिटनेस और फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज और टेकिंग पार्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस इन स्पोर्ट्स इज ऑल्सो एन इनोक्यूलेटर